नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बारिश के बाद लगभग हर गली मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर गड्ढों की भरमार हो गई है। इन गड्ढों की वजह से रोजाना हादसे घटित होते हैं। इन्हीं गड्ढों को भरने और शासन प्रशासन को जगाने उनकी सद्बुद्धि के लिए युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर ने अपने साथियों के साथ प्रतिपक्ष में अनोखा पिंडदान किया। उन्होंने विधि विधान से सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए पिंडदान करते हुए उन्हें भरने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि विदिशा जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह जिला है, इसी रोड से उनका भी आना जाना है। मंत्रियों अधिकारियों का भी इस मुख्य सड़क पर आना जाना होता है, लेकिन सड़क को भरने के लिए और गड्ढों को दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से प्रयास नहीं किया गया। आम जनता की परेशानी दूर करने सरकार को सद्बुद्धि जलाने लड़कों के लिए प्रदान किया गया है। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम किया आज? देखिए, अभी प्रतिपक्ष का समय चल रहा है और आज आखिरी दिन है और ये हमारे जीवन में ये 15 दिन बहुत महत्व होते हैं, सभी के जीवन में बहुत महत्व होते हैं। तो हमने जो है आज सड़कों के जो गड्ढे हैं उनका प्रतिपक्ष किया है, पिंडदान किया है। आप ये देखिए, विदिशा जिला जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, उसके बाद भी विदिशा के जो 40 वार्ड हैं, सड़कें जो हैं उन्होंने इतने गड्ढे हैं कि लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने ये पिंडदान शायद इसलिए किया है क्योंकि ये प्रतिपक्ष में पूजन करने से ऐसा मानते हैं कि भगवान जो हैं वो धरती पर उतर के आते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि शायद हमको आशीर्वाद देते हैं और उससे शायद प्रशासन को सद्बुद्धि आ जाए और वो शायद इन सड़कों का निर्माण करवा दे। और हमने इस जगह पर मुख्य मार्ग ये इसलिए चुना है क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ सर प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे अधिकारी यहाँ से निकलते हैं। ये पूरे विदिशा के लिए रोड जाता है जिससे 40 वार्ड हैं और यही अशोकनगर के लिए जाता है, यही सागर के लिए जाता है। तो जनमानस जो है वो परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर हमने सड़कों का प्रतिपक्ष किया है, पिंडदान किया है, शायद इससे कुछ सद्बुद्धि आ जाए और सड़कों का निर्माण हो। क्या कार्यक्रम करवाया गया आपने? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा बताया है कि 365 साल भर के जो दिन होते हैं उन 365 में 15 दिन घटा दें तो 350 दिन शेष बचते हैं। तो 350 दिन में जो पूजन अर्चना व्रत नियम जो किए जाते हैं वो देवताओं के लिए अर्पण होते हैं और ये 15 दिन ये पितृपक्ष के रहते हैं, ये हमारे पितरों के लिए रहते हैं। सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, इसमें पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो आज हमारे शिष्य जो है विवेक सिंह ठाकुर ने जो यहाँ सभी की सद्बुद्धि के लिए जो पिंडदान इत्यादि क्रिया की है, तो हम ईश्वर से ये निवेदन करते हैं कि सबको सद्बुद्धि हो, कल्याण हो और अच्छे कार्य हो, सभी की उन्नति हो। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।